हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगिनिंग इन लिंक लिस्ट। ये तो हमने इसके जो प्रॉपर तरीके से था वो हमने पहले देखा था, बट एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको देखते हैं। एल्गोरिथम में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो जब भी हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे, भले ही आप बिगनिंग पे इंसर्ट करो या एंड पे इंसर्ट करो या स्पेसिफिक पोजिशन पे इंसर्ट करो, तो सबसे पहला स्टेप सब में सेम चलेगा। तो पहले स्टेप में हमें यह चेक करना है कि ओवरफ्लो तो नहीं है कंडीशन, कि पीटीआर नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होगा तो फिर हमें एक नोड बनानी है, उसको मेमोरी एलोकेट करानी है और पीटीआर के अंदर उसका एड्रेस हमें स्टोर कराना है। तो ये सब हम पहले स्टेप में, सब में, इससे बाद वाली एल्गोरिथम भी हम देखेंगे, तो सब में ये क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इंसर्ट फर्स्ट स्टार्ट एन आइटम, स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना है और एक आइटम को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला हमने क्या किया, चेक फॉर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के लिए चेक करेंगे इफ पीटीआर इक्वल टू नल। अगर पॉइंटर, पीटीआर का मीनिंग यहां पर है पॉइंटर, पॉइंटर की वैल्यू अगर नल हो जाएगी देन प्रिंट हो जाएगा ओवरफ्लो। मतलब पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी हमारा जो लिंक लिस्ट है वो फुल हो चुका है, इसमें नया एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। एल्स की कंडीशन में क्या करेंगे, पीटीआर को हम PTR एक नोड क्रिएट करेंगे, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे मैलॉक फंक्शन के थ्रू और साइज दे देंगे उस नोड का। तो यहां पर हमने लिखा भी है क्रिएट न्यू नोड फ्रॉम दी मेमोरी, मेमोरी में एक नई नोड क्रिएट करेंगे एंड असाइन इट एड्रेस टू PTR, PTR को उसका एड्रेस असाइन कर देंगे। ये तो सबके साथ होना है, जो एक्चुअल वर्क होना है वो इनके थ्रू होना है। इसके बाद क्या करना है, हमें सेट कर देना है PTR में जो इन्फॉर्मेशन है उसको बना देना है आइटम। PTR के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम बना देंगे आइटम। थर्ड स्टेप में पीटीआर का नेक्स्ट जो हो जाएगा वो जो स्टार जिसको पॉइंट कर रहा है उसको पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाएगा। और लास्ट स्टेप इसमें है स्टार्ट को हमने क्या बना देना है, पीटीआर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, अगर हम इसके थ्रू देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टार्ट है, ये हमारे पास नोड थी, इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास नोड है स्टार्ट, यहाँ पर एलिमेंट है हमारा 10, 20 एंड ये एलिमेंट था 30। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई थी, हमें एक नया नोड यहाँ पर इंसर्ट करना है। मान लो हमें क्या है, यहाँ पर 40 को इंसर्ट करना है। तो अगर एल्गोरिथम की बात करें तो हमने क्रिएट कर दिया है, तो पहले स्टेप में हमने एक नोड क्रिएट कर दिया है और इसको हमने बना दिया है पीटीआर, पीटीआर के अंदर इसको स्टोर, पीटीआर के अंदर ये इसकी जो भी एड्रेस है वो पीटीआर को असाइन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, PTR की जो इन्फॉर्मेशन है वो बना देनी आइटम। तो यानी जो PTR की इन्फॉर्मेशन है वो हमारा हो जाएगा आइटम, ये हमारा हो जाएगा आइटम, 40 आइटम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया हुआ है, सेट PTR का नेक्स्ट। तो PTR का नेक्स्ट की वैल्यू ये है, ये नेक्स्ट है PTR का, PTR का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, यानी जो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करने लग जाएगा PTR का नेक्स्ट। तो PTR का नेक्स्ट मीनिंग ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा यहाँ पर से। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो स्टार्ट था वो PTR के पास चल जाएगा, यानी स्टार्ट जो पॉइंट करने लग जाएगा वो PTR को पॉइंट करने लग जाएगा और ये लिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद जो एक्चुअल में हमारा बनेगा वो बनेगा स्टार्ट 40, 10, 20 एंड 30। तो अब लिंक लिस्ट हमारी ये हो जाएगी। तो ये सिंपल इंसर्ट का है, बिगनिंग पे इंसर्ट करने का एल्गोरिथम थी हमारी। इसको अगर प्रॉपर तरीके से हम, नीचे भी हमने इसका एग्जांपल बनाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट थी जिसमें स्टार्ट था 10, 20, 30, तीन नोड दिए हुए थे। इसमें हमें नया नोड इंसर्ट करना था 40। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट स्टेप के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू हमने डिजाइन किया, एक PTR बनाया जिसके अंदर हमने 40 इंसर्ट किया है, 40 को एक आइटम बना दिया है। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप चलाया, पीटीआर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बना दिया आइटम। ये तो हो गया है, 40 जो हो गया वो आइटम हो चुका है। नेक्स्ट हमने थर्ड स्टेप चलाया, इसमें पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो बना दिया स्टार्ट, जिसको स्टार्ट पॉइंट करा था, तो स्टार्ट 20 को 10 को पॉइंट करा था, इसको हमने बना दिया पीटीआर के नेक्स्ट जो है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा, जिसको स्टार पॉइंट करा था, यानी स्टार पॉइंट 10 को करा था, तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लग जाएगा 10 को। उसके बाद क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी स्टार्ट जो है वो पॉइंट करने लग जाएगा पीटीआर को और ये लिंक यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट, इंसर्टिंग अ नोड एट बिगिनिंग इन लिंक लिस्ट। थैंक यू फ्रेंड।